क्या है कार्स रिलेटेड टू ये वीडियो। तो गाइस आपने कह रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस मेरे ना एग्जाम्स चल रहे थे तो उसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया है, पर आज हम लोग मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो गाइस आज हम लोग कार्स रिलेटेड टू में एक न्यू कार बाय करेंगे जिसका नाम है सुप्रा MK5। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं अपना वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। तो गाइस अब हम लोग चलेंगे अपनी न्यू कार बाय करने जिसका नाम है सुप्रा MK5। MK4 तो हमारे पास पहले थी, पर अब मैं बाय करूँगा MK5। तो आप लोग तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी, तब तक मैं गाड़ी बाय करता हूँ। पहले हम देख लेते हैं उसका गराज किधर है। तो उसका गराज करीब ही है तकरीबन इधर जी, ये रहा फूजी। गेम में तो इसका नाम फूजी है, पर असली में ये गाड़ी है सुप्रा MK5। तो गाइस मुझे इसकी शेप वगैरह भी अच्छी लगी, आपने कमेंट में बताया कि कैसी है, पर अभी हम इसको जल्दी से बाय कर लेते हैं। तो अभी हम जल्दी से अपनी मर्सिडीज जी वैगन पे जा रहे हैं सुप्रा MK5 को बाय करने। तो अभी हम जल्दी से जाते हैं। आपको पता ही होगा इन्होंने न्यू अपडेट में ड्रिफ्ट मोड का ऑप्शन डाला था, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा ही किया। और न्यू अपडेट में हम पीछे भी बैठ भी सकते हैं किसी की अपनी सीट पे, मतलब गाड़ी के अंदर पीछे वाली गेट पे। तो इधर नहीं है, आगे है। तो अभी हम जल्दी जल्दी जाते हैं और अपनी गाड़ी बाय करते हैं, उसकी स्पीड टेस्ट देखते हैं, एक्सीलरेशन वगैरह देखते हैं। तो गाइस हम बस पहुंच गए हैं तकरीबन, फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। गाइस ब्रेक नहीं लगी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगली बार हम कौन सी गाड़ी बाय करें। अभी तो फिलहाल हम सुप्रा MK5 बाय कर रहे हैं। अभी अंदर चलते हैं। गाइस मेरा जो गैराज है वो फुल हो चुका है, तो अभी मुझे न्यू गैराज बाय करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं अपना न्यू गैराज बाय करते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं जिसकी वजह से मुझे अब गैराज बाय करना पड़ेगा। गाइस यही गैराज है, यही वाला बाय कर लेते हैं, 7 वाला। ये कितने का होगा गाइस? ये ब्लू प्रिंट्स का है, रुक जाएँ हम किसी कॉइन का बाय करते हैं। गाइस आप लोग कह रहे होंगे मेरे पास ब्लू प्रिंट्स का, तो गाइस मैंने ब्लू प्रिंट एक गाड़ी के लिए बचा के रखे हैं जो कि मैंने लेनी है, तो मैं उसके लिए कर लूँगा। तो अभी हम कॉइन में लेते हैं, तब तक मैं गैराज बाय करता हूँ, फिर गैराज बाय करके मैं आपसे तब मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैंने गैराज तो बाय कर लिया, ये वाला मैंने बाय की है जो कि तकरीबन 45,000 का था। तो हम जल्दी सब जाते हैं गाड़ी बाय करते हैं। जहाँ तक मुझे लगा आप लोग कमेंट बताइएगा कि गाड़ी का मतलब कि गाड़ी स्पीड वाइज कैसी है, अच्छी है, और शेप वाइज भी आपने कमेंट में बताइएगा कि गाड़ी अच्छी है कि गंदी है। पर मुझे तो गाड़ी अच्छी लगी है। आगे पुलिस वाले हैं, तो अब यहाँ आहिस्ते आहिस्ते जाना पड़ेगा वरना वो हमें पकड़ लेंगे। वाइज थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। बस ऐसे अब आप लोग मेरे 200 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दें। तो वाइज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गैराज पे। मैं पहुँच चुका हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो वाइज ये हमारे पोर्शे पीटर, इसका नाम है इंसान पोर्शे। और ये रही हमारी MK5 सुप्रा MK5 वाली गाड़ी, काफ़ी अच्छी। जल्दी से इसको बाय कर लेते हैं। अब मैंने ये गाड़ी बाय कर ली है। गाइस गाड़ी शेप वाइज तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग मन में बताइएगा। टॉप पे देखते हैं अगर रोड सीधी हुई तो अगर कोई कार बीच में भी ना आए। मेरे अंदाज से इसकी टॉप स्पीड 249 होगी जैसे MK4 की थी। टॉप स्पीड तो नहीं देख पाए बाकी स्कूल का। अभी हम इसकी गैराज पे जा कर देखते हैं कि इसके एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग वगैरह कितनी है। इसकी ड्रिफ्टिंग भी थोड़ी चेक कर लेते हैं। गाइस
अब हम चलते हैं सीधा गैराज के अंदर। चुके हैं गैराज के अंदर, करते हैं एंटर। अब इसकी देखते हैं एक्सेलरेशन, तो गाइस मैक्स स्पीड 5.6 अच्छी है और एक्सेलरेशन 3.2, हैंडलिंग 4.0 अच्छी है और ब्रेकिंग भी अच्छी है। गाड़ी का गाइस काफ़ी अच्छी है। अभी हम इसके अगली वीडियो में हम इसके दरवाजे भी ऊपर करवाएंगे, इसको मॉडिफाई करवाएंगे। तो अभी हम इसका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। आप लोगों को बताइए कि मैं कौन सा टेस्ट लूँगा, माउंटेन्स का स्मूथ डिफरेंट भी अच्छी है। तो यहाँ पे अब पहले मुझे माउंटेन घूमना पड़ेगा, था ये है स्मॉल माउंटेन, हम इसका थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ऑफ रोडिंग टाइप। हाँ मुझे लगता है इसकी ऑफ रोडिंग सबसे अच्छी होगी। और अगली वीडियो में हम मर्सिडीज़ का 6 व्हीलर ट्रक बाय करेंगे। कमेंट में बताइएगा कि हम वो बाय करें कि कोई और गाड़ी बाय करें। तो गाइस मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग काफ़ी अच्छी है, तो गाड़ी हो गई काफ़ी अच्छी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।